हेलो सो वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस ट्रेडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे अच्छा खासा मार्केट मिल रहा है यहाँ पे, जो कि मार्केट बहुत ही स्लोली जा रहा है। ओवरऑल मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड का है। थोड़ा सा हम लोग, मैं ट्रेंड लाइन बना के भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो तो मार्केट है वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर भी है, ठीक है। मार्केट अभी देखो सेलर्स मतलब बायर्स लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही एग्रेसिव। ऑल दो यहाँ पे आप देख सकते हो तो एक डोजी कैंडल बनी थी। ओके तो मैं मार्केट को थोड़ा नीचे जाने दूंगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे और एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। देखो मैं इतना क्यों श्योर था, क्योंकि देखो आप देख सकते हो तो सेलर्स यहाँ से आए थे, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सेलर्स आए थे, लेकिन बायर्स ने वापस एंट्री कर दी थी। यहाँ पे सेलर्स वीक हो गया और देखो एक बीच में से ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया, मतलब यहाँ पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके। ओके तो इस वजह से जैसे ही मार्केट नीचे गया मैंने ऊपर का ट्रेड प्लेस कर दिया। ओके तो ये आपको थोड़ा कैंडल को समझना पड़ेगा किस तरह से वो फॉर्मेशन कर रहा है, क्या हो रहा है उसके अंदर, और उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है। देखो यहाँ पे मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो सेलर्स आ चुके थे वो सेलर्स लेवल से तो आए थे, स्ट्रांग आए थे, लेकिन बीच में से ही बायस आए। ओके फिर सेलर्स यहाँ पे वीक हो गया और देखो एक सडन मोमेंटम देखने को मिला विदाउट एनी रीजन, जो कि एग्जॉस्ट कैंडल जिसे हम बोल सके, जहाँ से सेलर्स की पावर खत्म हो चुकी थी। तो जैसे ही देखो नीचे गया मार्केट, मैंने ऊपर का ट्रेड प्लेस कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी जान बची थी। ठीक है देखते हैं यहाँ पे ये कैंडल का फंक्शन क्या है, उसके बाद ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी थोड़ा सा ट्रेड लाइन का काम खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा हम लोग वापस से लेवल ड्रॉ कर देंगे। ओके यहाँ पे एक लेवल बना लेंगे और यहाँ पे और यहाँ पे ये जो जोन है ये बायस का है। थोड़ा ट्रेड लाइन हटा देंगे यहाँ पे। देखो ये जो बायस है ये एक्चुअल बायस लेवल नहीं है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बायस लेवल नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये कैंडल ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, अगर इसके अंदर क्लोजिंग करेंगे तो वापस हम लोग बायस के लिए चले जाएंगे। ओके ठीक है, इसकी क्लोजिंग अंदर ही हो चुकी है, लेकिन एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए वेट करेंगे। ओके यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। देखो ये जो बायस आया है यहाँ से तो ठीक है मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन एक स्ट्रांग बायस नहीं है। लेकिन देखो अगर ये कैंडल ब्रेकआउट कर देती इसको बॉडी से, मतलब यहाँ पे देखो उसकी बॉडी की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, लेवल के अंदर ही हो गई है। जैसे ही मार्केट देखो उस लेवल को टच करने गया तो मैंने वापस से ऊपर का ट्रेड प्लेस किया। भले यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, लेकिन अपने एंट्री से ऊपर ही रहेगा मार्केट। देखते यहाँ पे ग्रीन रेड जो भी बनेगी, लेकिन अपनी एंट्री एकदम परफेक्ट एंट्री। इसी तरह से देखो मार्केट को समझा करो ठीक से प्रॉपरली कि कहाँ पे ट्रेड प्लेस करने चाहिए, कैसे फटाफट से एकदम, मतलब करंट मार्केट देख के ही आपको लेवल्स भी आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है यहाँ पे देखो बायस तो आया है, लेकिन देखते हैं यहाँ कहाँ तक जाते हैं। अगर इसकी भी क्लोजिंग इस दो जो ऊपर की लेवल है उसके नीचे हो जाती है तो फिर देखते हैं। नहीं ठीक है, इसने थोड़ा सा बॉडी से ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं है, आप देख सकते हो। ओके थोड़ा सा वेट करेंगे, इस कैंडल का कंफर्मेशन लेंगे, फिर जाके ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके ठीक है, ओके रेड ही बन रही है, थोड़ा सा रुकेंगे देखेंगे प्रॉपर कंफर्मेशन। अभी भी यहाँ पे जोर तो दिखा रहा है, लेकिन देखो बायस ट्राई कर रहे हैं उसको कमजोर करने के लिए, सेलर सॉरी। ठीक है देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके बायस आए, लेकिन कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं था, इस वजह से सेलर्स ने वापस से एंट्री कर दी। लेकिन सेलर्स में भी देखो कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। ठीक है यहाँ पे मैं एक ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, अगर ऊपर जाता है मार्केट तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके ठीक है चलो यहाँ से मैं नीचे जाने वाला हूँ।
थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी मिल जाए तो मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, फिर भी एक ट्रेड प्लेस कर दूंगा मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे सेलर्स का स्ट्रांग मोमेंटम था, फिर जैसे ही बायर जोन के अंदर आने के बाद एक रिजेक्शन मिला और बायर्स ने कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी, मतलब कोई रिजेक्शन नहीं था। और आप देख सकते हो उसी सेम लेवल से वापस से सेलर्स की एंट्री हो। ऑब्वियसली जब मार्केट इसी लेवल पे जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पे एक सेलर जोन है तो वहां पे जाएगा तो एक रिजेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। ये भी ट्रेड अपना विन हुआ है। देखो इसी तरह से प्रॉपर कंफर्मेशन लेना है, फिर जाके ट्रेड प्लेस करना है। ओके ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। फिलहाल अभी तक इस जोन को छोड़ नहीं रहा है मार्केट, थोड़ा सा स्टक बन गया है यहाँ पे। ठीक है देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो पेशेंस रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, थोड़ा सा मैं अमाउंट यहाँ पे बढ़ा लूंगा, क्योंकि वापस से देखो बायर्स ने सेलर्स ने जीत पाई है इस इसके ऊपर, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाने देंगे। ओके ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे अभी रिजेक्शन पे एक वापस से ट्रेड प्लेस कर दिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड प्लेस कर दिए हैं, क्योंकि देखो इसने ब्रेकआउट तो दे दिया है वंस अगेन इन सारे बायर्स के ऊपर, उसने मतलब उनको पूरा नॉर्मलाइज कर दिया है। सेलर्स वापस से नीचे जाने की कोशिश कर रहे, तो जैसे ही देखो मार्केट वापस एक सेलिंग जोन पे आ गया, मैंने वापस से ट्रेड प्लेस कर दिया। ओके तो इसी तरह से आपको कंफर्मेशन लेना है और ट्रेड प्लेस करना। तो ये सारी चीजें मैं फ्री सेशन में बताता ही हूँ जो सैटरडे संडे को हेल्ड होती है। उसके बाद अगर आपको प्रॉपर इसी तरह से लाइव मार्केट में रोज प्रैक्टिस करनी है, आपको ऐसे ही ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप पर्सनल सेशन में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लास्ट डेट 10th मार्च तक रहेगी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, और इसी तरह से छोटी अमाउंट भी होगी तो आप प्रॉफिट अच्छा खासा कर सकते हो। ओके तो थैंक यू दोस्तों, यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। और जो लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और जो पुराने हैं जो ये अभी तक मेरे सारे वीडियोस फॉलो कर ले उस फॉलो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। और प्लीज जाते जाते एक लाइक कर दीजिए। तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।